नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेलकम। देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर आपके साथ मैं हूं मीना शर्मा। खबर वो नहीं है जो बताई जाती है, खबर वो है जो छुपाई जाती है। और छुपी हुई खबरों को सामने लेकर आते हैं हम हर दिन रात 9 बजे। उम्मीद करते हैं हमारी ये कोशिश आपके लिए उपयोगी साबित हो रही है। कोशिश जोरदार ढंग से देश के विपक्षी दल भी कर रहे हैं। केजरीवाल पूछ रहे हैं माल्या को किसने भगाया, तो सिब्बल ने हमला किया, कौन से महल में रह रहे थे जिसे त्याग कर सियासत में आए हैं साहब। तो बयानों की सारी कवायदें उसी जनता के कंधों पर बंदूक रखकर हो रही है जो पिछले 5 दिनों से कतार में है। लेकिन खबरें आई कि लोगों ने बाकायदा ऐसे लोगों को रोजगार दे दिया है जो कतार में लग सके। 4,000 निकाल कर लाने पर 200-300 रुपए की दिहाड़ी का नया व्यापार खुल गया है। सरकार ने फैसला किया है कि ऐसा पैसा निकालने वालों की उंगली पर काली स्याही लगाई जाएगी। लेकिन ममता बनर्जी को सरकार का यह फरमान बेहद नागवार गुजर रहा है। कह रही हैं ये काला तंत्र सरकार को हताशा भरा कदम है, सरकार अब आम आदमी पर भी विश्वास करने को तैयार नहीं है। तो कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में भी नोटबंदी पर विपक्षी पंच पड़ना तय है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगाने पर मांग को लेकर जो पिटीशन थी उसे खारिज करके मोदी सरकार को बड़ी राहत दे दी है। तो बिहार के बहुचर्चित सेनारी नरसंहार केस में जहानाबाद जिला कोर्ट ने 15 दोषियों में से 10 को मौत की सजा सुनाई है, तो 3 को उम्र कैद। वहीं सरहद पर भारतीय सैनिकों के पराक्रम से परेशान नवाज शरीफ ने एक बार फिर भारत को धमकी दी है। दूसरी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए आपको लेकर चलेंगे बीबीसी के लंदन स्टूडियो। लेकिन शुरुआत इस वक्त की देश की बड़ी खबरों से। केंद्र सरकार ने जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार ने रवि की फसल उगाने वाले किसानों को भी 200 रुपए के बोनस का तोहफा दिया है। कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर आज हुई सर्वदलीय बैठक में पीएम सहित सभी बड़े दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में पीएम ने सभी दलों से लोगों की भलाई से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने की अपील की। साथ ही सत्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की संभावनाओं पर भी चर्चा की बात कही। वहीं कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इस बार विपक्ष की एकता नहीं टूटेगी। वहीं कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी इस वक्त सीधे लाइव आ रहे हैं, वहां आपको लेकर चलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय ने काले धन को सफेद करने की जांच शुरू कर दी है। विभाग अब 8 से 10 नवंबर तक सोना खरीदने और बेचने वालों को वेरिफिकेशन करने जा रहा है। उधर रेलवे ने काउंटर पर बुक कराए गए टिकट्स के रिफंड की सीमा घटाकर 5,000 रुपए कर दी है। इससे ज्यादा रिफंड की रकम को खाते में भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने इस फैसले को कॉर्पोरेट बॉम्बिंग करार देते हुए केंद्र को जरूरी कदम उठाने की हिदायत दी है, लेकिन इस बाबत दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया है। बैंक्स में लग रही भारी भीड़ और अफरा तफरी से निपटने के लिए सरकार ने आज नई घोषणा की। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि नोट बदलवाने वाले व्यक्ति की उंगली पर स्याही लगाई जाएगी काली, जिससे कि एक व्यक्ति एक बार ही इस लाइन में लग सके। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी मुख्यमंत्री ने इस सरकार के कदम को हताशा भरा करार दिया है। राहुल गांधी को अगर हम सुन पा रहे हैं तो सीधे चलेंगे एक बार वहां पर। नोटबंदी को लेकर दिल्ली विधानसभा में आज जबरदस्त हंगामा हुआ। केजरीवाल सरकार ने इस फैसले को वापस लेने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, साथ ही पीएम मोदी पर जमकर निशाना भी साधा। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पीएम ने राजनीति के लिए अपनी मां हीराबेन को बैंक की लाइन में लगाया। उधर कांग्रेस ने भी कहा कि हम ऐसे किसी भी बुजुर्ग को कतार में देखना नहीं चाहते हैं और समर्थन भी नहीं करते हैं। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने घोषणा की है कि जमीन की रजिस्ट्री के लिए अवैध करार दिए जा चुके 501,000 के नोट 24 नवंबर तक स्वीकार किए जाएंगे। वहीं अखिलेश यादव ने विवादित बयान दिया है जिसमें कहा कि मंदी में काला धनी अर्थव्यवस्था को बचाता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो सरकारें जनता को दुख देती हैं, जनता उस सरकार को हटा देती है। बिहार के बहुचर्चित सेनारी नरसंहार केस में जहानाबाद जिला कोर्ट ने 15 दोषियों में से 10 को मौत की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 3 को उम्र कैद की सजा भी मिली है, जबकि 2 दोषी अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाए गए दोषियों को 1-1 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है।
इसके साथ ही कोर्ट ने मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 1 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि 18 मार्च 1999 की रात प्रतिबंधित नक्सली संगठन एमसीसी के उग्रवादियों ने सेनारी गांव को चारों तरफ से घेर लिया था और एक ही जाति विशेष के 34 लोगों की गला रेतकर हत्या कर दी थी। हरियाणा के करनाल में एक शादी समारोह में फायरिंग का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें साध्वी देवा ठाकुर गोली चला रही हैं, साथ ही उनके साथी भी फायरिंग कर रहे हैं। इस गोलीबारी में एक महिला की मौत हो गई है। पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी से एक बार फिर जनता को राहत मिली है। पेट्रोल 1.46 रुपए और डीजल 1.53 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। आज आधी रात से कीमतें लागू हो जाएंगी। जनता की तकलीफें सुनने का ये ढंग निराला है। देखो, बैठे हैं साहब जी रुई ठूसे कान में। नोटबंदी के चलते जिल्लत से जूझ रहे आम आदमी की मुश्किलों पर सियासत तो खूब हो रही है, बैठकों का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है, लेकिन आम आदमी अब भी कतार में है। सुबह जहां से चलता है शाम को वहीं खड़ा पाता है। लेकिन इस बीच दिलचस्प तस्वीरें देखी देश ने, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां भी इसी कतार में खड़ी नजर आई। चार दिन पहले पार्लियामेंट स्ट्रीट पर एटीएम में पैसे निकालने के लिए लाइन में लगे राहुल गांधी ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, और आज सुर्खियां बनी पीएम मोदी की मां हीराबेन। राहुल 4000 रुपए निकालने के लिए एटीएम पहुंचे थे तो पीएम की मां गांधीनगर के ओरिएंटल बैंक में 4500 रुपए के पुराने नोट बदलने पहुंची थी। युवा राहुल गांधी ने एटीएम में जनता को हो रही मुसीबत की आड़ में मोदी सरकार पर वार किया था। राहुल को पैसों से ज्यादा राजनीति की जरूरत थी। वो आम आदमी के गुस्से की आड़ में सरकार की नीयत पर सवाल उठाना चाहते थे। हीराबेन को भी पैसों की जरूरत रही होगी, लेकिन इससे कहीं ज्यादा बड़ी जरूरत इस पैगाम को पहुंचाना था कि केंद्र सरकार का फैसला, उनके लाडले का फैसला देश हित में है, और अगर 97 साल की उम्र में वो कतार में खड़ी हो सकती हैं, तो मीडिया के सामने गले फाड़ने वाले युवा नेता इतनी हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं। भूखे प्यासे बैंक और एटीएम का चक्कर लगा रहे लोगों का हौसला जवाब दे रहा है, लेकिन काले धन का गोरख धंधा करने वाले लोग भोले भाले लोगों को दिहाड़ी पर खड़े कर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। इन्हीं आशंकाओं को दरकिनार करने के लिए सरकार ने अब बैंकों से पैसे बदलने पहुंचे लोगों की उंगलियों पर स्याही का निशान लगाने का निर्देश दिया है। ठीक वैसी ही स्याही जैसी मतदान के बाद पोलिंग बूथ पर वोटरों की उंगली पर चस्पा कर दी जाती है। Indelible ink, which is just as it is used during election, you know, the voter ID, just as when you cast your vote, and there is an indelible ink mark which is put. So it has been decided to put to use that facility. सारी बातें तो हजम हो गई, लेकिन उंगली पर स्याही वाली बात सियासतदानों के गले नहीं उतरी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार को आम आदमी पर विश्वास करने की बजाय शक कर रही है। ममता ने ट्वीट के जरिए कहा कि साथ शुरू किया गया यह काला तंत्र सरकार का हताशा भरा कदम है, जो दिखाता है कि यह सरकार आम लोगों पर विश्वास नहीं करती है। 19 नवंबर से उपचुनाव है, संभावित वोटरों की उंगलियों पर स्याही लगाने के बारे में चुनाव आयोग क्या कहेगा। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने इस बाबत राष्ट्रपति से मुलाकात की बात कही तो कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी पर निजी हमले से भी नहीं चूके, लेकिन केजरीवाल ने तो बकायदा दिल्ली विधानसभा में नोटबंदी के खिलाफ प्रस्ताव ही पारित कर दिया। सदन में मोदी विरोधी नारेबाजी के बीच केजरीवाल ने विजय माल्या और पनामा पेपर्स का जिक्र करते हुए कहा कि अमीर पीएम के दोस्त हैं और गरीब दुश्मन। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से दिल्ली में दहशत है और लोगों की शादियां तक टूट रही है। कहते हैं कि मैंने सब कुछ त्याग करके, सब कुछ छोड़ के मैं यहां आया। वह इनसे पूछिए कौन से महल में रह रहे थे जो इन्होंने छोड़ा। आम जनता लाइनों के अंदर लगी हुई है। बड़े बड़े लोग तो मोदी जी के दोस्त हैं, इनके साथ तो लेन देन का रिश्ता है। ये
छोटे 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 सारे आम आदमी जितने उनको क्यों तंग कर रखा है इन्होंने। जनता की त्रासदी अगर कम हो सकती है, शिवसेना वहां जाने के लिए तैयार है, और लोगों के लिए, लोगों का आक्रोश, लोगों की यात्रा कम करने के लिए, किसी का भी दरवाजा खटखटाने के लिए शिवसेना तैयार है। नोटबंदी के बहाने मोदी विरोधी अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, तो समर्थक भी घर बैठने को राजी नहीं। राजपथ पर पीएम मोदी के समर्थन में निकली रैली में नोटबंदी को वक्त की दरकार बताया गया, तो एक सर्वे के मुताबिक देश के 82% लोगों ने नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया है, तो वहीं 84% लोगों ने माना है कि काले धन पर सरकार गंभीर है। बीजेपी और मोदी समर्थक इसे ऑपरेशन ब्लैक कहकर सीना फुला रहे हैं। ये देश अब भ्रष्टाचार से आजादी चाहता है, काले धन से आजादी चाहता है, और हमें बहुत खुशी है कि तमाम दिक्कतों के बावजूद भी आज आम जन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। सियासी गेम एयर कंडीशनर कमरों में तय हो रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बैठकों के साथ सर्वदलीय बैठक भी बेहद फूल हो रहे हैं, लेकिन परेशान लोगों का पसीना सूखने का नाम नहीं ले रहा। हालात के आगे हौसला हार रहा है। सवाल है कि आखिर हर ऑपरेशन की प्रयोगशाला आम आदमी ही क्यों बने? मुसीबतों की मार आम आदमी ही क्यों भुगते? हर बार उसकी ही अग्नि परीक्षा क्यों? देश की बात के लिए ईटीवी नेटवर्क। और इस पूरी कवायद के बीच उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है कि योगेश धामा, पश्चिमी यूपी के जो बड़े नेता हैं और जो अजीत सिंह के विश्वस्त माने जाते थे, वो भाजपा में अब आ गए हैं। लगातार पिछले लंबे समय से भाजपा की कोशिश थी उन्हें लाने की। बहरहाल कश्मीर का नाम पिछले कुछ वक्त से सबकी जुबां पर था, लेकिन चर्चा घाटी की खूबसूरती की नहीं बल्कि हिंसा, मारपीट और आगजनी की हो रही है। अब एक बार फिर कश्मीर से आई है अच्छी खबर, तो चलिए देखते हैं कैसे कश्मीर के भविष्य यानी युवाओं ने दिया है हिंसा को करारा जवाब। हाथ में किताबें, जुबा पर सिलेबस की चर्चा, और अगर चिंता है भी तो बस एग्जाम की। बेहद खूबसूरत और सुकून देती श्रीनगर के स्कूलों की ये तस्वीर उस तस्वीर से बिल्कुल जुदा है जो पिछले 4 महीने से यहाँ नजर आ रही थी। परीक्षा देने पहुँचे इन हजारों बच्चों ने बता दिया है कि कश्मीर की तकदीर उनके इरादों की मुट्ठी में है, और स्कूलों को आग लगाकर उनसे उनका भविष्य नहीं छीना जा सकता। कल से जम्मू कश्मीर में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी है, और घाटी में ही 98% से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा देकर साबित कर दिया कि नफरत की सियासत अब और नहीं चलेगी। घाटी में 12वीं क्लास के कुल 32,000 छात्र हैं, जिनमें से 95% छात्र एग्जाम में शामिल हुए। वहीं आज 10वीं क्लास की परीक्षा हुई। 10वीं के कुल 55,000 छात्र घाटी में हैं, जिसमें से 98.5% छात्र आज एग्जाम देने पहुँचे। हैरान करने वाली बात ये है कि इस बार छात्रों की मौजूदगी पिछले साल के मुकाबले 2.56% ज्यादा रही। हिंसा और अशांति की वजह से लंबे समय तक घाटी के स्कूल बंद रहे थे। अलगाववादियों ने कई स्कूलों को जला डाला था, छात्र घर बैठने को मजबूर थे। ऐसे में पेरेंट्स ने सरकार से परीक्षा को मार्च में करवाने की अपील की थी, लेकिन सरकार ने नवंबर में ही पेपर करवाने का फैसला किया। सरकार ने छात्रों के सामने दो विकल्प रखे। पहला विकल्प, अगर छात्र नवंबर में एग्जाम देते हैं तो उन्हें सिलेबस में 50% की छूट मिलेगी, और अगर मार्च में एग्जाम देते हैं तो उन्हें ये छूट नहीं मिलेगी। लेकिन ज्यादातर छात्रों ने नवंबर का ही विकल्प चुना, और बड़ी संख्या में छात्र एग्जाम देने परीक्षा केंद्रों में पहुंचे। देने के बाद अरेंजमेंट्स भी अच्छे थे और पेपर भी अच्छा आया था, 50% बराबर सिलेबस था, तो सब कुछ अच्छा था, अच्छे से हुआ। आजकल की हालात में हमें 3-4 महीने से स्कूल बंद थे, तो हम आज फर्स्ट टाइम आप एग्जाम देने गए, तो यहाँ पे सिक्योरिटी, ये अरेंजमेंट्स भी बहुत अच्छे थे, तो मुझे लगता है कि हमें एग्जाम देने का डिसीजन जो गवर्नमेंट दिया वो अच्छा दिया। तो ये बच्चों का ये कहना है, साफ उनका ये मानना है कि जिस तरह से उनके लिए एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल है वो बनाया गया है वो उनके लिए अच्छा था, तो इससे ये बात खुलकर सामने आती है कि यहाँ पर ज़्यादातर जो बच्चे थे वो स्कूल आना चाहते थे, और आज जब उन्होंने एग्जाम दिया है तो वो काफ़ी प्रसन्न होकर अपने घर जा रहे हैं। 12वीं के एग्जाम्स के लिए कुल 450 सेंटर तैयार किए गए हैं, जबकि 10वीं की परीक्षा 550 सेंटर पर हो रही है।
सभी सेंटर्स पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कोई अराजकता फैलाने की कोशिश ना करे। अगर आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सोचेगी कि स्कूल खुलने से और एग्जाम देने से पोजीशन ईज हो गई, फिर अब हमें चुप रहना है, वो नहीं मुमकिन है। बातचीत करनी है, प्रॉब्लम को एड्रेस करना है। राजनीतिक पार्टियां चाहे जो भी कहें, अलगाववादी चाहे जितनी कोशिशें करें, लेकिन अगर घाटी के बच्चे चाहें तो अपने इरादों से कश्मीर के उज्जवल भविष्य की नींव जरूर रख सकते हैं। देश की बात के लिए ईटीवी नेटवर्क। उम्मीद करते हैं घाटी से ऐसी खबरें लगातार आएंगी और हम आपको लगातार ऐसी ही खबरें दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि कश्मीर के युवा ही नहीं बल्कि पूरा देश इन खबरों को देखकर उनका मनोबल बढ़े और सेना का मनोबल भी बढ़े और साथ ही पाकिस्तान में एक अच्छी खबर भी जाए। बहरहाल छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, वापस आएंगे तो लेकर चलेंगे बीबीसी के लंदन स्टूडियो और उसके बाद आएंगे तो चर्चा करेंगे देश में हो रही सियासत पर। सियासत करते हुए राहुल गांधी भी इस वक्त बोले हैं 18 लोग कतार में लगने की वजह से अपनी जान दे चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हंस रहे हैं। अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कुछ क्या कहा उन्होंने वो भी आपको बताएंगे। तो देश की सियासत पर हमारे खास मेहमानों के साथ चर्चा भी, लेकिन ब्रेक के बाद। खूबसूरत तस्वीरों के बाद रुख करते हैं देश की कड़वी सियासत का। कहा है, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। देश कतार में लगा है, इंतजार है एटीएम और बैंक में अपना नंबर आने का। किसी के पास इलाज का पैसा नहीं, किसी की बेटी की शादी नहीं हो पा रही, तो किसी का बिजनेस ठप पड़ा है। इस तकलीफ के बावजूद देश की जनता ऐतिहासिक धैर्य का परिचय दे रही है, लेकिन सियासत के सब्र का बांध मानो टूटता दिख रहा है। कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने के लिए चक्रव्यूह तैयार है। पूरा विपक्ष सरकार के फैसले के खिलाफ एकजुट दिखाई दे रहा है। कोई बोल रहा है नोटबंदी पर सरकार की नीयत ठीक नहीं, किसी को सरकार की तैयारी पर दिक्कत है, तो कोई यहां तक कह रहा है काला धन देश को मंदी से बचा नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन हलफनामा दायर करने को भी आदेश दिया है सरकार को। अब सवाल ये है कि काले धन को लेकर विपक्ष की घेराबंदी कहां तक, कितनी सही है और रंग लाएगी? जनता की तकलीफ दूर करने के लिए सरकार के कदम कितने असरदार साबित होंगे? अखिलेश यादव का फैसला क्या संवैधानिक है? इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए मेरे साथ कांग्रेस के नेता पीएल पुनिया साहब जुड़ेंगे, बीजेपी नेता जफर इस्लाम साहब जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता असीम वकार और बीएसपी नेता सुदींद्र भदौरिया जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में जफर इस्लाम आपसे करना चाहती हूं, समाजवादी पार्टी की सरकार ने, अखिलेश यादव ने फैसला किया है कि जो जमीन की रजिस्ट्री वगैरह है उसमें अभी पुरानी करेंसी चालू रहेगी, जारी रहेगी, राज्य सरकार का यह फैसला संवैधानिक है, क्या वो कर सकते हैं? जफर इस्लाम साहब, तकनीकी परेशानी की वजह से हम आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, आपको मेरी ऑडियो नहीं पहुंच पा रही है, मेरी टेक्निकल टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज इसको करेक्ट करें। समाजवादी पार्टी से असीम वकार साहब मेरे साथ बने हुए हैं। असीम वकार साहब, केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक जो कुछ कर रहा है उसके बीच में राज्य सरकार का ये फैसला क्या संवैधानिक है? देश की जनता के जहन में ये बड़ा सवाल है कि क्या ऐसा हो सकता है उत्तर प्रदेश में कि अगले कुछ दिनों तक वो पुराने नोट लेकर जाएं और बैंक में रजिस्ट्री हो जाए उनकी जमीन जायदाद की? नहीं, डॉक्टर साहिबा, बहुत अदब से पहले दो बात कहना चाहता था आपसे कि हिंदुस्तान में एक ऐसा माहौल बन गया है कि जो सरकार की किसी गलत बात का, नाजायज बात का या विपक्ष के तौर पर किसी बात का विरोध कर रहा है तो वो देशद्रोही है, और अगर कोई भी गलत बात का समर्थन कर रहा है प्रधानमंत्री जी की तो वो देशभक्त हो गया।
तो ये स्थिति जो बना दी गई है ये हिंदुस्तान में पहली बार नहीं बनी है, दुनिया में इससे पहले भी दो नेता आए हैं। जर्मनी में एक नेता हुआ करता था हिटलर, उसका भी ये कहना हुआ करता था कि जो मेरे खिलाफ जाएगा वो देशद्रोही है और जो मेरे साथ मेरे फैसलों में खड़ा होगा वो देशभक्त है। तो लोग देशद्रोही और देशभक्त की फ़र्क ना समझ पाए और जर्मनी किस पोजीशन में पहुंच गया और दुनिया के हालात क्या हो गए थे सबने देखा। उसी तरह से एक जॉर्ज बुश नाम के नेता भी आए थे और उन जॉर्ज बुश ने एक अल्फाज एक स्टेटमेंट जारी किया था इराक वार पे कि अमेरिका एट वॉर, और अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो आपको हमारे खिलाफ माना जाएगा। इस तरह की स्थिति, मतलब अगर कोई सद्दाम हुसैन के साथ खड़ा हो जाएगा या सद्दाम हुसैन का समर्थन कर देगा तो उसको अमेरिका अपना दुश्मन मानेगा जी। तो लोग दहशत में आ गए जी। तो हिटलर से, सद्दाम हुसैन से, जॉर्ज बुश से, किस से आप नरेंद्र मोदी की तुलना कर रहे हैं? उस वक्त भी बुश का विरोध किया था जी। सुधींद्र भदौरिया साहब, अरे मोहतरमा सुन तो लीजिए, मैंने किसी की तुलना किसी से नहीं की है। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि अगर किसी बात का विरोध किया जाए आवाम के हक के लिए, देश के हक के लिए, तो वो देशद्रोह नहीं होता है साहब। हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमने वोट दिया है, हमारे बाप दादा इस जमीन में दफन हैं, हमारे और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल इस मुल्क से जुड़े हुए हैं, हम देशद्रोही नहीं है। लेकिन किसने बोला आपको? वकार साहब, हमारे दर्शकों के पास, हमारे दर्शकों के पास सीमित समय होता है आपको सुनने के लिए, बात सुनना पड़ेगी। हमारे दर्शकों के पास सीमित समय होता है और उसी समय सीमा के भीतर ही आपको बताना है कि किस तरह से अखिलेश यादव ने जो फैसला लिया है उससे उत्तर प्रदेश की जनता को फायदा होगा। बहुत जल्दी से बताइए। नहीं, अखिलेश जी ने खाली ये फैसला नहीं लिया है कि आप निबंधन कार्यालय में जाकर रजिस्ट्री करा सकते हैं, बाकी जो फैसले हैं उनमें एक ये फैसला जोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि लोग पुराने नोटों से बिजली के बिल, अपने हाउस टैक्स, अपने वाटर टैक्स भी जमा करा सकते हैं, सरकारी टेलीफोन बिल भी जमा हो रहे हैं। आप जाके देखिए, प्रधानमंत्री जी ने भी पहले 2 दिन का टाइम दिया था, फिर टाइम बढ़ाया है, फिर अब 24 नवंबर हो गया, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवा सकता है आदमी, सरकारी अस्पतालों में मेडिसिन ले सकता है, दवाई ले सकता है। यानी जो सरकारी लोग अपने सरकारी विभागों में काम करा रहे हैं, अगर वहां के ऊपर पुराना पैसा लेके जाएंगे तो वो चल सकता है जी। इसका मतलब ये है कि जो सर 500,000 के नोट थे हाँ। वो प्रधानमंत्री जी के आदेश के अनुसार बंद किए गए हैं, वो नकली नहीं है, असली नोट है लोगों के, वो जाली नहीं है। अगर जाली नोट है तो वो तो बंद है, लेकिन सरकारी खजानों में उनको अभी जमा किया जा सकता है। इसको इस नजर से देखिए, बिल्कुल, तो इसी नजर से देखा जाना चाहिए जफर इस्लाम साहब। उत्तर प्रदेश में ऐसा होगा तो आम आदमी को राहत मिलेगी उत्तर प्रदेश सरकार का ये फैसला? देखिए मीना जी, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जीतती हैं, खास के समाजवादी पार्टी और ममता जी की पार्टी और बहुत सारी पार्टियां, राहुल गांधी, कांग्रेस, ये सारे चीज, ये सारे लोग इकट्ठा होके सरकार की आलोचना करने में लगे हुए हैं। लेकिन इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये 70 साल से जो काला धन जमा था उस पर सरकार ने एक ऐसी कोशिश की है जिस बड़ा साहस बड़ा कदम है, इतना साहस भरा कदम लेने के। अजी साहब, अजी साहब, 5 दिन हो गए जफर साहब, जफर साहब 5 दिन हो गए, जफर इस्लाम साहब 5 दिन हो गए, तारीफ करने वालों ने तारीफ कर दी, आप लोगों ने भी कर दी। आप ये बताइए, फैसला उत्तर प्रदेश में जो वहां की सरकार ने लिया है उससे उत्तर प्रदेश की जनता को फायदा होगा? वो फैसला संवैधानिक है, उस फैसले से कोई परेशानी रिजर्व बैंक को, केंद्र सरकार को नहीं होगी? आम आदमी स्पष्टता चाहता है। देखिए, जो यूनिलैटरली जो अगर कोई भी डिसीजन उत्तर प्रदेश की सरकार लेती है विदाउट कॉन्फर्मेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जाहिर है वैलिडिटी उसकी नहीं होगी। ये सरकार ने जो स्कीम लाई है उसके उसमें क्या क्या प्रोविजन है, क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटीज है, वो सारा उसका उसको बार बार वित्त मंत्री ने और रिजर्व बैंक के और बैंकों ने उस बारे में टिप्पणी कर चुके हैं, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बार बार उस पर टिप्पणी की है। उसके उसके विपरीत जाके अगर कुछ करते हैं तो शायद इनको
उस हो सकता है कि वो एक्सेप्टेबल ना हो भारत सरकार को, इसलिए कि यूनिलैटरली हर स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, इस पर कोई डिसीजन ले सकती है। ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ मीना शर्मा जी कि ये 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 डिसीजन जो है ये एक आम आदमी के फेवर, एक आम आदमी को बहुत राहत लेके आएगा। ये जरूर तकलीफ हो रही है और हम उनके साथ इस तकलीफ में खड़े हुए इस थोड़े दिन की तकलीफ के बाद, इसलिए कि ये जो है थोड़े दिन की बात है, लेकिन परमानेंट इसमें जो है, ठीक है, वो जो है हमारा ड्राइव है जो ब्लैक मनी और आपका जो मकसद है वो मकसद आने वाले दिनों में आपका कहना है, बार बार कहना है बीजेपी का, केंद्र सरकार का, कि मकसद बहुत बड़ा है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। लेकिन पीएल पुनिया साहब, कांग्रेस के उपाध्यक्ष को लगता है कि पेशेंस की सीमा खत्म हो गई है। वो जिक्र करते हैं 18-20 लोगों की मौत का जो कतार में लगने की वजह से हुई उनके मुताबिक, और साथ ही ये भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हंस रहे हैं। लेकिन कतार में लगने की जो परेशानियां जितनी जमीन से आनी चाहिए, क्या वाकई में उतनी जमीन से आ रही है या फिर उतनी राजनेताओं की तरफ से बढ़ाई जा रही है? देखिए, आम जनता को जो परेशानी हो रही है मीडिया के माध्यम से निरंतर दिखाई जा रही है। ये भले ही सरकार की तरफ से कुछ लोगों के बयान कराए जाएं कि साहब बड़ा अच्छा कदम है और थोड़े दिन की कठिनाई है, आगे चल के सब सुविधा हो जाएगी, हम पूछना चाहते हैं कि कौन सी सुविधा एक गरीब आदमी है, जो छोटा व्यवसायी है, जो श्रमिक है, जो किसान है, उसको क्या लाभ मिलने वाला लेकिन है? ये वो तो सब ये मानते हैं और पुनिया साहब, काला धन के हम खिलाफ हैं, हम पूरी तरह से खिलाफ हैं। और प्रधानमंत्री जी जब जापान में जाते हैं तो वहां तो मजाक उड़ा रहे हैं और यहाँ पर भावुक होए जा रहे हैं और कभी कहते हैं कि मुझे 2 दिन का समय दीजिए। जो वित्त मंत्री जी कहते हैं कि 2-3 हफ्ते लगेंगे और प्रधानमंत्री मांग रहे हैं कि 50 दिन दीजिए, तो ये मजाक हो रहा है। आज से पूरा हिंदुस्तान काला धन, जिस तरह से आप लोगों ने पूरा हिंदुस्तान जिस तरह से सड़कों पे है, लाइन में है, और आपके लीडर उसका उसकी क्या उद्देश्य? हम काले धन के खिलाफ है, हम काले धन के खिलाफ है, लेकिन आपने काला धन वालों को छोड़ा है, काला धन से मिलके विशेष राज दिए को परेशान करने के लिए। आपने जो तैयारी करनी चाहिए थी वो पूरी तरह से तैयारी, पुनिया साहब आप पिछले 5 दिनों से लगातार यही कह रहे हैं तैयारी नहीं थी। लेकिन पुनिया साहब क्या ये हकीकत है, मैं सुधींद्र भदौरिया जी आपके पास भी आती हूँ, लेकिन पुनिया साहब क्या ये हकीकत है कि इस देश की जनता को जितनी परेशानी ग्राउंड पे हो रही है उससे कहीं ज्यादा इस देश की जनता पेशेंस दिखा रही है, ये कहते हुए कि उन्हें भरोसा है कि अगर देश की इकॉनमी ठीक होती है, अगर काला धन वाकई में अर्थव्यवस्था से बाहर होता है, गैर जिम्मेवारी की बात लाइन में खड़े हो गैर जिम्मेवारी की बात लेते हैं, बेहुदा बात कर रहे हैं। उसके बाद उनको कोई फिक्र नहीं रहती है कि आम आदमी ने क्या कसूर किया था। अरे आप काला धन को खत्म करिए, बेहुदा बात, आप बेहुदा पार्टी से बिलोंग करते हैं, मैं बेहुदा बात नहीं कर रहा हूँ। आप जफर साहब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, हमारे कार्यक्रम की गरिमा है और हम सबसे निवेदन करते हैं मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करिए, खास करके जफर साहब जब राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा कि नरेंद्र मोदी जी की माताजी अगर जाती हैं तो वो विषय मेरे लिए नहीं है, वो व्यक्तिगत विषय है, किसी का कोई भी जा सकता है। जब राहुल गांधी, जिनको लेकर कई तरह के सवाल मीडिया में उठाए जाते हैं, राजनेताओं की तरफ से उठाए जाते हैं, वो राहुल गांधी जब इतनी परिपक्वता का परिचय देते हैं तो आप लोग बार बार ये कह के कि राहुल गांधी कतार में लगते हैं उससे आपको क्या आपत्ति है? राजनीति करते हैं, राजनीति करनी चाहिए, लोगों के बीच जाते हैं, आपको क्या परेशानी है? सुधींद्र भदौरिया जी, देश की सर्वोच्च अदालत ने इस पर किसी भी तरह के बैन से इनकार कर दिया है, लेकिन साथ ही सरकार से हलफनामा मांगा है, साथ ही कहा है कि सरकार ने तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहा है उसकी जवाबदेही, उसका जवाब दे, सरकार से जवाब मांगा है। भदौरिया साहब, मैं आपसे उसी सवाल को दोहराना चाहती हूं जो हमारे कांग्रेस के नेताजी से मैंने पूछा कि आम आदमी की जितनी मुश्किलें हैं उससे ज्यादा वो पेशेंस दिखा रहा है इस उम्मीद में कि उसकी देश की इकोनॉमी पटरी पर आएगी, तो क्या हम जो इतना हंगामा कल के सत्र को शुरू करने से पहले पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है वो उस सच को नकार रहा है? देखिए,
देखिए, पहले तो मैं ये कह दूं कि हिंदुस्तान का समाज समरस समाज नहीं है, वर्गीकृत समाज है। गांव में रहने वाले लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है, शहर में भी दो तरह के लोग रह रहे हैं, उनमें एक वो लोग हैं जो लाइन कतारों में खड़े हैं, एक वो लोग हैं जो अपने घर में हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पर जिन्होंने ये कानून बनाया, जिन्होंने ये फैसले लिए, वो उन लोगों के लिए लिए थे जो लाइन में नहीं खड़े हैं। पर लाइन में उन लोगों को खड़ा होना पड़ रहा है जो 26 मौतें, जिनका एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ब्यौरा भी दिया है कौन लोग हैं। और मैं ये भी कह दूं कि ये एक फ्रैक्शन ऑफ रियलिटी है, इससे ज्यादा कहीं सच्चाई और ज्यादा है। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों से घूमकर आया हूं, जिनमें इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, ये सारे जिले हैं। और मैं आपको बतला दूं, वो कतारें छोटी मोटी नहीं है, 10-10 किलोमीटर गांव से लोग चलकर आ रहे हैं। उनको अपनी फसल बोनी है, किसी को फसल काट के मंडी में ले जाना है, ना वहां पैसा मिल रहा है, ना वो अपनी बेटी की शादी कर पा रहे हैं, ना बच्चों की फीस दे पा रहे हैं, ना माँ दूध खरीद पा रही है अपने बच्चों के लिए। इस देश के अंदर निसंदेह एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट प्रधानमंत्री जी के इस फैसले की वजह से हुआ। ठीक है, फैसला साहब, अगर उन्होंने जफर साहब जवाब ये दीजिए सबको। मैं एक चीज और कह दूं, एक चीज और कह दूं, मैं ये कह दूं, मैं एक लाइन में और खत्म करना चाहूंगा कि ये जो फैसला है, ये निसंदेह हिटलर शाही का फैसला है। ये मैं इनके लिए, ये नोटबंदी का फैसला वो उसी तरह से होगा जैसा इंदिरा जी का नसबंदी का था, और इनको वही हाल इनका होगा जो इंदिरा जी का इमरजेंसी के दौरान हुआ। ये फैसला सफल होगा कि नहीं होगा, ये भविष्य के गर्भ में है। सरकार से लेकर विपक्ष तक सभी की इस पर निगाहें हैं। लेकिन जफर साहब, सवाल ये है कि ये काला शाही लगाने की जरूरत क्यों पड़ी है? देखिए मीना जी, आप ये समझिए, पहली बात कि जब 8 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री ने ये साहस भरा कदम उठाया, तो कई कई बड़े नेताओं, जो विपक्षी दलों के नेता हैं, उनके चेहरे के रौनक उड़ गए। भदौरिया साहब को देखिए, उनके जो मायावती, जो उनकी बहन मायावती जी का चेहरा देखिए, बिल्कुल शाइनिंग खत्म हो गई उनके चेहरे से, इसलिए कि वो नोट लेके मैंने आपसे ये पूछा है, राजनेताओं के चेहरों की मुस्कान कहाँ चली गई? उससे ज्यादा जरूरी सवाल ये है जिसका जवाब देश की सरकार को और नेताओं को देना है। आप ये बताइए, काली शाही लगाने की जरूरत क्या है? एक आदमी को रोजाना 4,000 रुपए की जरूरत नहीं पड़ सकती क्या? ये सब आलोचनाएं कर रहे हैं, इनके बड़ी अच्छी नहीं है, इनको इनको सबक सिखाएगी भारत के नागरिक, इसलिए कि उनके उनके आड़ में ये सब आलोचनाएं कर रहे हैं। अरे जफर साहब, प्रदेश की जनता, देश की जनता, और जफर साहब मुझे ये बताइए, काली शाही क्यों लगाई जा रही है? ये कह रहे हिटलर शाही। अरे साहब ये बताइए, काली शाही क्यों लगाई जा रही है? जनता जानना चाह रही है कि ये सारे जो ये जनता को जवाब दीजिए ना, जनता देख रही है आपको। काली शाही इसलिए लगाई जा रही है, ये काला धंधा जो तीनों पार्टी के जो नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं, उनसे मालूम है इनके लीडर्स काला धंधा में इन्वॉल्व है। आप देखिए, राहुल गांधी करप्शन चार्ज के बाहर बैठे हैं, बेल में भदौरिया जी को मालूम है कि उनकी मायावती टिकट बेचती है, ये सब अपने लोगों को वहाँ भेज दिया है लाइन में लगा के, और ढिंडोरा मजबूर होकर सरकार को काली शाही लगानी पड़ी, ताकि इन जैसे जो पार्टी के जो भदौरिया साहब थोड़ा सा पेशेंस रखिए, देश की जनता ने बहुत पेशेंस रखा है। भदौरिया साहब थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जफर इस्लाम सीधे जवाब इस सवाल का दीजिए कि अगर मैंने आज 4,000 रुपए निकाले, देश के आम दर्शक के सवाल का जवाब दीजिए, अगर मैंने आज 4,000 रुपए निकाले या चेंज करवाए, माफ कीजिएगा जफर साहब, पहले सुन लीजिए, अगर मुझे कल भी जरूरत है तो मैं क्या नहीं जाकर उस कतार में खड़ी हो सकती? देखिए मीना जी, ये बात आपकी सही है कि थोड़ी तकलीफ जरूर हो रही है, लेकिन मुझे ये बताइए कि एक आदमी ने आज 4,000 रुपए निकाला, क्या वो कल 4,000 की कतार में नहीं खड़ा हो सकता? मैं आपको बोल रहा हूँ, सुनिए, वही बात कर दोहरा रहा हूँ, आप समझ लीजिए क्या बोल रहा हूँ। देखिए, एक तो है एक्सचेंज ऑफ नोट्स, एक फैमिली में पर पर्सन एक्सचेंज ऑफ नोट्स 4,000 का है, और
अगर उस फैमिली में जितने 10 लोग हैं तो 10 लोग भी उसको एक्सचेंज करा सकते हैं, 4,500 करके एक्सचेंज करा सकते हैं। दूसरी बात, आपको अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा है उसको आप विड्रॉ कर सकती है, उसकी 24,000 की पर वीक 24,000 की लिमिट है। तीसरी बात कि सरकार बार बार रिव्यू कर रही है, कितनी कमेटी बना के रखी, रिव्यू कर रही है हर दिन, और जो अप्रोप्रिएट मेजर है जो सही जो उनकी सुविधाओं के लिए अनुसार जो फैसले सरकार लेना चाहती है वो ले भी रही है, ताकि एक आम आदमी को किसी तरह की कठिनाई की जरूरत ना झेलना पड़े। लेकिन फिर भी कह रहा हूँ थोड़ी सी कठिनाई होगी, की तैयारी के बावजूद भारत का आम नागरिक हमारे साथ खड़ा है, प्रधानमंत्री के पीछे खड़ा है, लेकिन बहुत संक्षेप में इनके भेजे हुए लोग वो लाइन में जाके खड़े होके जफर साहब नहीं दे पाए आप सही जवाब, जफर साहब नहीं दे पाए आप सही जवाब। देखिए जरा पुनिया जी, जी मैं मीना जी आपको देखिए, असीम वकार साहब मुझे एक बात बता दीजिए बहुत संक्षेप में अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो, पूरा विपक्ष कल एकजुट होने की तैयारी में है, पूरा का पूरा विपक्ष, हालांकि आपने गठबंधन से तो इनकार कर दिया है, कल सब एक साथ हैं? नहीं, विपक्ष एकजुट हो ना हो लेकिन सच्चाई यह है कि जो जनता को परेशानियां हो रही है, मीना जी मैं आपसे एक सच्ची बात बता रहा हूँ, आप लोग को चाहिए कि बड़ी मेहरबानी होगी आप जो निजी अस्पताल है वहां के ऊपर कैमरामैन भेजिए, हम दिन भर नजर बनाए हुए हैं बकार साहब, हम दिन भर नजर बनाए हुए, हमारी कोशिशें नजर अब संसद सत्र पर होगी जहां देखना होगा विपक्ष की एकजुटता वाकई में कितनी कारगर होती है और देश की केंद्र सरकार की तैयारी कितनी काम आती है। बहरहाल मुझे यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेना होगा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, वापिस आएंगे तो आपको मिलवाएंगे राजस्थान की एक और सफल बेटी से। देश की बात बेटियों के सम्मान के बिना अधूरी है, आज आपको लेकर चलते हैं राजस्थान, मिलवाते हैं धौलपुर जिले की राधा कहार से, एक बीमा कंपनी की अध्यक्ष हैं ये, लेकिन इससे पहले पशुपालन करके अपनी आजीविका चलाती थी, पशुओं की बीमारियों से ऐसे में मौत हो रही थी और तभी बैंक ने इन्हें पशुओं को बीमा देने से मना कर दिया, जिसके बाद राधा ने कुछ महिलाओं के साथ मिलकर खुद की बीमा कंपनी बना डाली। 5वीं तक पढ़ी राधा अब मैडम जी बन गई हैं, 60 से ज्यादा लोगों को रोजगार देती हैं, पशुओं के बीमा का काम 47 गांवों में एक एक महिला संभालती है। छोटे छोटे प्रयास करने वाली ये बेटियां देश को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा रही हैं। राधा देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। देश की बात में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन इस कार्यक्रम को अगर आप देखना चाहते हैं तो फेसबुक पर लाइव देख सकते हैं, प्रदेश 18 की वेबसाइट पर आप इस कार्यक्रम के बारे में सुझाव दे सकते हैं, अपने आसपास की खबरों को हमसे साझा कर सकते हैं। इस वक्त मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।